PID या pelvic inflammatory disease कहते हैं infection of the uterus, tubes या ovaries को. ये ladies में पाई जाने वाली बहुत ही common infection है, जिससे कि ladies को पेट में नाभि के नीचे दर्द होता है, किसी किसी को urine करने में दर्द होता है, किसी को heavy या painful periods आते हैं, किसी को पेट में राइट साइड में दर्द होता है, किसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग या बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट डीप इन द पेल्विस रहता है, किसी को लो बैकएक रहता है, किसी किसी को अनयूजुअल विजाइनल डिस्चार्ज, क्रीमिश, येलोइश, ग्रीनिश, जो कि कभी कभी बदबूदार भी हो सकता है, और किसी किसी को बहुत तेज़ बुखार के साथ उल्टी आती है और सीवियर पेन होता है. ये होता है जब आपके ट्यूब्स या ओवरीज में अगर पस की पॉकेट्स, जिसे ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस कहते हैं, वो हो जाए. वो एक बड़ी गंभीर समस्या है. इसलिए दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई भी परेशानी है तो तुरंत आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका पूरा इलाज सही टाइम पे हो जाए तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? नंबर वन, क्रॉनिक पेल्विक पेन, यानी कि हर समय पेट में नीचे दर्द रहना, लो बैकएक रहना, या ट्यूब्स अगर चिपक जाती हैं स्कारिंग से, तो किसी किसी को आगे बच्चा होने में परेशानी होती है, जिसे इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं. किसी के ट्यूब में ही बच्चा रुक जाता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि कई बार जानलेवा स्थिति बन सकती है. तो इसका इलाज क्या होता है? इलाज एंटीबायोटिक से होता है. ज़्यादातर केसेस में हम मुँह से लेने वाली एंटीबायोटिक्स देते हैं, पर अगर बहुत सीरियस हो तो फिर हमें इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देनी चाहिए. तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो आपके लिए सही एंटीबायोटिक चूज़ करेंगे, सही ड्यूरेशन के लिए बताएंगे, और आपको उसमें कोई डोज मिस नहीं करनी चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए. कोर्स ख़त्म करने के बाद फिर से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. वो एग्ज़ामिन करके बताएंगे कि पूरी इन्फेक्शन ठीक हो गई और दवाई की ज़रूरत है. इसके दौरान आपको या तो सेक्स नहीं करना चाहिए या कॉन्डोम्स इस्तेमाल करके करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पार्टनर इन्फेक्ट हो गए तो आप में बार बार इन्फेक्शन, बार बार रेकरेंट PID हो सकता है. पार्टनर और हस्बैंड का ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है कंप्लीट क्योर के लिए. कॉजेस, कुछ बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं जो कि नीचे के रास्ते से घुसते हैं और यूट्रस में होते हुए ट्यूब्स के ज़रिए ओवरीज तक पहुंच जाते हैं. ज़्यादातर केसेस में ये आपसी संबंध से आते हैं, पर कभी कभी अबॉर्शन, चाइल्ड बर्थ, कॉपर्टी इंसर्शन या नीचे से प्रोसीजर्स जैसे कि DNC हो, उससे भी हो सकते हैं. PID का इंक्रीज रिस्क वेजाइनल डूशिंग से भी होता है, जिसमें लेडीज वेजाइना के अंदर वॉश करती हैं, तो कुछ हैप्पी, हेल्दी, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं. इससे आपका इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है. तो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको कॉन्डोम्स इस्तेमाल करने चाहिए, वेजाइनल डूशिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए, और याद रखें, अगर आपके एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो आपका रिस्क PID का अधिक है. तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आर हेल्थ फ्रेंडली चैनल GynaePedia, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियोस आपकी हेल्थ के लिए. हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे. गुड बाय.